हेलो दोस्तों, मैं किरण बाला और हम लोग यहाँ पर किसी गाय की बहुत चिंता हमें हो रही है। वो बहुत डूंगा खड्डा है, एक रेलवे वालों ने यहाँ खड्डा जो कर दिया, बिल्कुल एक तो रास्ता बंद हो गया हम सभी का। हम उस पार चले जाते थे, हम बिल्कुल शहर से अलग कर दिए गए हैं, बिल्कुल एक लवारिस की तरह हमें अलग कर दिया गया है रेलवे वालों की वजह से। जो खड्डा हुआ है और गाय इसमें गिरी हुई है, मैं बिना गिर जाऊं थोड़ा, गाय इसमें जो गिरी हुई है ना, और वो पूरी कल शाम 8 बजे से और सुबह के 9 बज चुके हैं, उस टाइम से ये गाय यहाँ परेशान हो रही है। और उसने कुछ खाया पिया नहीं। अब जो हमारे नगरवासी हैं, हमारे यहाँ के नागरिक हैं, उन्होंने देखा तो उस गाय को घास वास डाला है, और रेलवे ने जो किया है उसकी आप देख सकते हो किस तरह से भरपाई करेंगे। बरसात होने वाली है और बरसात में ये पूरा गड्ढा भर जाएगा। और इसमें गाय है वो तो 4 पांव वाला जानवर है, वो तैर सकता है, लेकिन जो कोई बच्चा किसी का गिर जाए या कोई इंसान इसमें गिर जाए तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। कोई माँ अपने बच्चे खो बैठेगी या कोई बच्चा अनाथ हो जाएगा। तो ये खड्डा जो है आप देख सकते हो कितना बड़ा खड्डा है। और वैसे तो कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन इनको किसी को कुछ नहीं आता है। गाय शाम की 8 बजे से गिरी हुई है और बीजेपी सरकार को हम फोन कर चुके हैं, जो 1 घंटे से उनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी कि हाँ उस गाय के लिए कुछ किया जाए। सब अपने अपने काम में मस्त हैं। और मैं खुद किरण बाला ये गड्ढा खुद भरवा के, और मैं इसकी जिम्मेवारी हूँ, और इस खड्डे को मैं इस गाय को बाहर निकालती हूँ। जो जो मेरे साथ है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करो, और जो भी गाय को अपनी माता मानते हो तो उसके लिए सपोर्ट करें, हमें हम गाय की सेवा कर सके। क्योंकि गौ रक्षक दल वाले भी कुछ नहीं कर रहे, और उनको भी हमें 1 घंटा फ़ोन किए हुए हो चुका है और वो अभी तक नहीं आए। तो गाय 2 घंटे हो चुके हैं हमें, मैंने खुद उनको फ़ोन किए थे, बीजेपी वालों को भी फ़ोन किए और गौ रक्षक दल को भी हम फ़ोन कर चुके, लेकिन एमसी घर नहीं है, एमसी घर नहीं है, एमसी घर होता ही नहीं है कभी भी उनके पास। तो कभी भी हम जाओ कोई काम नहीं उन्होंने करना है। हाँ, हमारे घर पे कोई मत आओ। तो सरकार किस लिए, सरकार उनको इस तरह के बंदों को चुनती है किस तरह के ये, और उसमें गलती में सब आप लोगों की निकालती, ऐसे लोगों के एमसी बनाते क्यों हो आप लोग, जो आप लोग का किसी का साथ नहीं देते सही टाइम पे, तो ऐसे लोगों को आप चुनते क्यों? आप ही की चुनी हुई सरकार है जो आज ये नुकसान आप लोग भर रहे हो, ठीक है? तो आप लोगों को इसका मैं कह रही हूँ कि इस गड्ढे को भरा जाए और इस गांव माता को बाहर निकाला जाए जल्द से जल्द। वही तो कह रहा हूँ, बनेगी नहीं तो रेलवे वाले कहाँ आएंगे भाई, हमें ही करना पड़ेगा ये तो। कर दो इसमें डाल दो, नट में डाल दो, डाल रहे हैं भाई। हाँ, उधर पुलिया की तरफ भी यहाँ पे है, ये यहाँ पे 15 फुट खड्डा खोद रखा है। सभी लोग यहाँ गाय की वजह से बहुत परेशान हैं और सब चाहते हैं कि गाय को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी यहाँ पे मदद भेजी जाए, कृपा करके हमारी हेल्प करो। यहाँ पर गाय माता को बचाते हुए कोशिश कर रहे हैं सभी पब्लिक वाले, क्योंकि यहाँ पे हमें मदद नहीं मिली। हमने सब महकमों में फ़ोन किया लेकिन कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, और यहाँ गाय माता बहुत परेशान हो रही है। अब पब्लिक ने खुद ही सोचा कि खुद ही कर लें। ये देखिए यहाँ पब्लिक, ये यहाँ पर पब्लिक ने अपनी तरफ से ही गाय माता को बचाने का प्रोग्राम चालू कर दिया है। देखिए यहाँ पर कितनी पब्लिक है, प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं करी। हमने हर जगह प्रशासन को फ़ोन किए और ये पब्लिक ने खुद ही
क्रेन को मंगवा के गाय माता के लिए काम शुरू किया। देखिए कितनी पब्लिक है यहाँ। सुबह से लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। वैसे सब प्रशासन के लोग कहते हैं गाय हमारी माता है और कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आया।